कम से कम 50% औरतें अकबर नगर की कोठियों में काम करने जाती थी, मजदूरी करने जाती थी, झाड़ू पोंछा करने जाती थी। तो अब वो यहाँ से वहाँ अगर जा भी रही काम करने तो उनका जो है कितना किराया लग रहा है, उनका उनका यहाँ से वहाँ जाने में कितना किराया लग रहा। तो जो ऐसी औरतें महिलाएं हैं वो हर महीना किस्त कैसे देंगी? तो अब इसके ऊपर क्या किसी को सोचना चाहिए या ना सोचना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर महीना किस्त देने में सक्षम नहीं है, नहीं है। हाँ जी, ये भी बोल दो इसमें कि यहाँ पे जिस दिन साहब लोगों को नहीं आना हो तो ये परेशान ना हो बूढ़े लोग, एक लिस्ट लगा दें कि फला तारीख को खराब है, वहाँ सांस सारा दिन लग रहे हैं, परेशान है, चार मंजिल पे है, तेरी तबीयत खराब, कैसे नीचे नहीं हो रहा, आई नहीं रहे, कोई काम ही नहीं बन रहा, कैसे क्यों? आंटी कैसी है? बढ़िया। मकान मिला? मिला है, पर जो जिस गंदगी में दिए हैं हम लोग उसमें रहेंगे नहीं, हम लोग बेवकूफ है, वहाँ पे तो बड़ी जल्दी खाली करवा लिया, वहाँ पे बोला भी बीसी ने बोला आप वहाँ जाइए आपकी बात सुनी जाएगी, एलडीओ ऑफिस गए वहाँ से बोला आप वहाँ जाइए वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी, यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, किससे कहेंगे हम लोग, है कोई सुनने वाला यहाँ पे? वहाँ पे तोड़ दिया तुरंत, भगा भी दिया, यहाँ बिल्डिंग भी नहीं तैयार थी फिर भी सब लोगों को यहाँ भगा दिया तोड़ के, अब यहाँ कोई है नहीं, एलडीओ ऑफिस गए बीसी सर ने सुन लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी मतलब कुछ नहीं बोला, उन्होंने वहाँ जाओ वहाँ जो होगा वही वो लोग करेंगे, यहाँ किससे? पानी वगैरह नहीं है भैया? पानी तो आ रहा है, हमारे वाले में नहीं आ रहा है, आज दो दिन से नहीं आ रहा है, नहाए नहीं है, ऐसे है। बूढ़े लोगों को ऊपर छोड़े हो, जवानों को नीचे छोड़ रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है? अब वो चीज हम लोग यहाँ पे कह रहे तो कोई आने वाला सुनने वाला है नहीं, एक लाइन से उसी तरह से सबको मकान देते, एक मोहल्ले का उधर फेंक दिया, एक मोहल्ले का उधर फेंक दिया, इस तरह हो गया, बच्चों को चार मंजिल पकड़ दिया, माँ को पीछे डाल दिया, रात में कोई रात बिरात बीमार दुखी हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं ना मैम, से चार में कराया जी उस तरफ मैडम गंदगी बहुत है, अब लोगों को सोचना चाहिए कि इसको हमको कूड़ा कचरा जो कहाँ पे डालना है कहाँ पे नहीं डालना है, ये लोगों को सोचना चाहिए, ये तो बात सही है, आप अगर उस तरफ जाएंगे तो देखेंगे बहुत गंदगी है, जी जी बहुत गंदगी उधर, कमाई है नहीं तो किस्त कैसे दी जाएगी, वहाँ लड़ाई नहीं लड़ी, अभी तो हुल्डंगी बाजी बदतमीजी करते उन लोग से, तो आज सही था, आज ये हाल सरकार के सहारे थे, आज सरकार ने हम लोग को धोखा दे दिया, तुड़वा दी नहीं जल्दी, तुड़वा दे दो डाले सामान रहे तसियों 15-20 हज़ार का नुकसान हुआ, क्यों दीदी कैसी है? जिंदा है, जिंदा है, चलिए आपकी बहुत लंबी उम्र हो, वैसे सब बढ़िया चल रहा है, क्या है जैसे जो घर के नीचे उतरिए दो मंजिले से पाइप लीक हो रहा है, इतना पानी नहा धो के निकलिए, अच्छी पवित्र गंगा ऊपर से बह रही है हम लोग के ऊपर, और वो सुन ही नहीं रहे हैं, कितनी बार कंप्लेन किया जा रहा सुन ही नहीं रहे, अरे हम लोग को यहाँ अकबर नगर वालों को शिफ्ट करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि कम से कम यहाँ की आवश्यकताओं को देखते, कितने बुजुर्गवार हैं कितने बच्चे हैं जो बीमार हैं, कम से कम 50 बेड का सरकारी हॉस्पिटल यहाँ प्रोवाइड करना चाहिए था, एक स्कूल प्रोवाइड करना चाहिए था, बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ठेला लगाने वाले हैं, जो कोठियों में काम करने वाली महिलाएं हैं, आप बताइए 3,000, 2,000, 5,000 रुपये वो काम करती, 3,000 रुपये किराया फूक के वो इतनी दूर काम करने नहीं जाएंगी, तो उनको रोज़गार चाहिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे घर हैं कि जो बेचारे कह नहीं पा रहे उनके घर में फाँके हो रहे हैं, पैसे नहीं हैं, और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि आप जब परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये तो देखिए कि इनका लड़का है ये बुज़ुर्ग है तो इनके लड़के को फेंक दिया 10-12 ब्लॉक आगे, इनको फेंक दिया कहीं और, बुज़ुर्ग को फेंक दिया चौथी मंजिल पे, जवान को फेंक दिया नीचे, और फिर सबसे बड़ी बात आप जैसे नाले के किनारे जैसे सिस्टर बात करी नाले किनारे, उनको तो चाहिए था कि कम से कम जो हमारी दो बेल्ट है, दो बेल्ट कहने का मतलब जिस गली में मस्जिद है वो पूरी बेल्ट और जिस जो बंधे से लग के पूरी बेल्ट थी, इन लोग को एक तरफ शिफ्ट करते, जो नाले के किनारे थे उनको एक तरफ शिफ्ट कर देते, अकबर नगर सेकंड को एक तरफ शिफ्ट करते, इससे कम से कम ये तो पता चलता कि हाँ कौन कहाँ का है, अपने लोगों के बीच में तो लोग रहते, ऐसे अनजान लोगों के बीच में है, और जो कहते हैं फ्री में कोई मकान नहीं दिया, 4,79,000 रुपया हमसे वसूला जाएगा, हम कहाँ से देंगे, काम धंधा चला गया, रोजी रोटी चली गई, कुछ भी नहीं, हमारा दो मंजिले का मकान 6 कमरे 2 लैट्रिन बाथरूम किचन तोड़ दिया है,
माचिस की डिब्बा के जैसे मुझको घर दिया है, हम इसमें खुश कैसे हो सकते हैं? नहीं खुश हो सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ लाइन लगा रहे हैं। मेरे भाई को अलग कर दिया, मेरे हस्बैंड को हार्ट की शिकायत है। हम मियाँ बीवी हैं, बेटियों की मेरी शादी हो चुकी है। अब भाई मेरा दूर है तो हमारी देखभाल कौन करेगा? कम से कम उसको पास में कर दें। उसी के लिए यहाँ पर आ रहे, तीन दिन से लाइन लगा रहे, अधिकारी कोई बैठ नहीं रहा है। तो ये समस्याएं, बहुत सारी यहाँ समस्याएं हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं। उसका काम हो रहा है, जो हम बड़े बड़े लोगों से बात करके यहाँ पे कर रहे हैं उनका काम हो रहा है, जो गरीब लोग उनका काम नहीं हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि जिनकी पहचान है आए उनको घुसेड़े, काम हुआ पर्चा दिया लेके गए। ये चीज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आने वाले हैं बच्चे घर के लिए आई है जी, मिला नहीं अभी, नहीं मिला। पेट है, बड़ा ऑपरेशन हुआ है उससे, बच्चा हुआ तीसरे मंजिल पे आई है। जिस वक्त दे रखे उसी वक्त हमने कम्प्लेन किया था कि नीचे दीजिएगा, उसके बावजूद क्यों नहीं सुना? मतलब मन मौजी हर चीज में कर रहे हैं, मन मौजी मकान तोड़ दिया, मन मौजी मकान दिए दे रहे। स्थिति इंसान की ठीक हो ना ठीक हो, मतलब जबरदस्ती चढ़ जाए, स्थिति नहीं ठीक होगी। इनके ऑपरेशन का पेट ही कैसे चढ़ जाएंगी? अभी इनको कुछ हो जाता तो उनके बच्चे को इनके जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? सरकार होगी, LDA वाले होंगे कि कौन होगा? बता सकता है कोई? निकल के आ सकता है सामने कि हम जिम्मेदार हैं? बैठे हैं, ऑफिस बंद कर दिया, लॉक है ऑफिस, बैठे हैं आराम कर रहे हैं वहाँ। वो मासूम बच्चे को लेके देखिए, दिखाइए ना, इधर इधर दिखाइए, फोकस दीजिए उधर। मासूम बच्चे को लेके दौड़ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। चलिए बड़े लोग के चलते, और उसकी कंडीशन नहीं ठीक है। तो हम आंटी, हम अगर कर पाते तो हम आपको खाली क्यों करवाते? आप ये बताइए अभी तेरा कुछ जा रहा है अकबर नगर में थी तो इतनी पब्लिक परेशान हो रही, ऑफिस बंद है यहाँ पे। अगर हमारे हाथ में होता तो हम आपके नाम नहीं कर देते, हम क्यों हटाते आप? सुबह से पब्लिक, आज सरकार के हाथ में है तो आप का जो काम करना है वो हमें दिखाना है। आप बना रही हैं, ये कुछ हेल्प करिए तो जब समझ में आए। चलिए, तो अब जिसकी जितनी समझ है उतनी बात करता है। हमारी क्या जिम्मेदारी है वो हम ही समझ सकते हैं। जनता कई बार नहीं समझती है, वो अपने गुस्से में अपनी परेशानियों में अलग ही जूझ रही होती है। खैर, ये सब चीज़ें हम मीडिया वाले माइंड नहीं करते हैं, लेकिन हमारा लगातार ये दिखाना रहा है कि अकबर नगर की जनता किस हाल में है, किन परेशानियों से जूझ रही है, और किस तरह से जो सरकार दावे कर रही है कि हमने अकबर नगर को खाली तो करा दिया है लेकिन बहुत खुशहाल ज़िंदगी भी दे दिया है, तो अकबर नगर की जो हकीकत है वो हमने यहाँ बसंत कुंज से आपको दिखाने की, पहुँचाने की कोशिश की है। जो लोग बाहर खुशियाँ मना रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा किया, तो वो भी थोड़ा अलर्ट हो जाएँ कि अगर उनके भी घर टूटेंगे, उन पर भी बारी आएगी, तो ऐसे ही हालातों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। आज अकबर नगर तो कल अबरार नगर तो कल दूसरा कोई नगर, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा अगर हम एकजुट होकर या आम जनता एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएगी। बहरहाल, हमारा सिर्फ कर्तव्य यही है, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी यही है कि हम जनता की आवाज़ उठाएं। जो सरकार जनता के साथ करती है वो कभी जनता समझ पाती है, हमें कभी नहीं समझ पाती है, वो उसकी समझ पर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं किसी दूसरी जगह से ऐसे ही कवरेज के साथ, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें मेरी प्रताप।